भागलपुर सिटी एसपी राज ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीन अलग अलग विषयों पर जानकारी साझा की। इस दौरान सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा भागलपुर में एसडीपीओ के दो पद सृजित किए गए हैं और जिले में 13 ओपी को अपग्रेड कर थाना बनाया गया है, जिससे आम लोगों के साथ पुलिसिंग में सहूलियत होगी और खासकर पुलिस को अपराध नियंत्रण और अपराधियों पर लगाम लगाने में सफलता मिल पाएगी। सिटी एसपी ने बताया कि ओपी को थाना का दर्जा मिलने के बाद अब इलाके से जुड़ी किसी भी घटना का मामला सीधा दर्ज हो सकेगा और ओपी से थाना में अपग्रेड होने के बाद वहां अधिक संसाधन भी उपलब्ध रहेंगे, जिसका लाभ फरियादियों को मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सदर में एक एवं कहलगांव अनुमंडल में एक एसडीपीओ का पोस्ट क्रिएट होने से पेंडिंग केस की संख्या में कमी आएगी और अधिक तेजी से मामलों का अनुसंधान कर अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। इसके अलावा एसपी सिटी राज ने बताया कि बीते दिनों मंदिर से चोरी किया गया कलश भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और इस मामले में एक अपराधी की गिरफ्तारी भी हुई है। बता दें कि बीते माह 20 जनवरी की रात्रि नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिशहरी मंदिर से अज्ञात अपराधियों के द्वारा मंदिर से कई छोटे बड़े कलशों की चोरी कर ली गई थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए भागलपुर एसएसपी के निर्देश पर सीटीडीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में तकनीकी अनुसंधान के आधार पर छापेमारी की गई और चंपा नदी रोड निवासी रूपलाल मालाकार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ में चोरी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नशे का आदि है और नशे की लत को पूरा करने के लिए उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। पहले ये शराब पीने के मामले में जेल जा चुके हैं और ये मामला जो है एक तरह से, चूंकि ये व्यक्ति नशा करता है और इससे संबंधित है और उसी के लिए इसने जो है ये चोरी की थी ताकि कुछ पैसे इसमें ले सके। दूसरा, जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा भागलपुर जिला में 13 ओपी को अपग्रेड करते हुए, उत्क्रमित करते हुए थाना का इसमें इनको दर्जा दिया गया है और दो अनुमंडल में अपर पुलिस अनुमंडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है, पोस्ट क्रिएट किया गया है और उसको सैंक्शन दिया गया है। तो 13 ओपी को थाना में कन्वर्ट किया जाएगा। इससे कई फायदे होंगे, आम जनता को भी फायदा होगा और पुलिस को भी फायदा होगा। सर्वप्रथम इसमें अभी क्या है, वर्तमान में इस परिस्थिति है कि वो थाने का, वो ओपी का जो अगर एफआईआर होता है तो पेरेंट थाने में दर्ज किया जाता है। ये जो हैसल है इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे, अब उस थाने में भी जो एफआईआर दर्ज किया जा सकेगा। दूसरा, जो संसाधन जो उपलब्ध किए जाते हैं तो ओपी में संसाधन कम उपलब्ध किए जाते हैं। अब चूंकि ये कन्वर्ट होकर और इसमें मोस्टली शहरी हैं, जैसे जोगसर है और भी अन्य इसमें जो थाने हैं, तो इसको अब इसको थाना में कन्वर्ट करने से इनको संसाधन भी ज़्यादा उपलब्ध होंगे आत्मनिर्भर फंड से और अन्य संसाधन भी, जिससे बेहतर पुलिसिंग में सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ दो नए एसडीपीओ का पोस्ट क्रिएट किया गया है, एक सदर में और एक कहलगांव में, ताकि इसमें इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी केसेस का पर्यवेक्षण हो रहा है तो अभी पर्यवेक्षण की संख्या हमारी कम हो जाएगी, पेंडिंग की संख्या, जिससे कि अनुसंधान जो हम लोग का टारगेट है 75 दिनों में अनुसंधान कंप्लीट करने का, उसमें सहायता मिलेगा और विधि व्यवस्था संधारण में भी मदद मिलेगी, लोगों को भी जो उनकी समस्याएं हैं उनको एसडीपीओ स्तर पर बेहतर तरीके से इसको सुलझाया जा सकता है। भागलपुर उच्च न्यायालय पटना के खंडपीठ और सर्किट कोर्ट की स्थापना को लेकर शनिवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय के समीप अधिवक्ताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी बातों को रखते हुए भागलपुर में पटना हाईकोर्ट के खंडपीठ की स्थापना जल्द से जल्द कराने की मांग की। साथ ही भागलपुर में सर्किट कोर्ट की स्थापना होने से यहां के अधिवक्ताओं और आम लोगों को सहूलियत होगी, जबकि केस के सिलसिले में फरियादियों को पटना हाईकोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस दौरान धरना पर बैठे अधिवक्ताओं ने कहा कि भागलपुर व्यवहार न्यायालय में धरना प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से हाईकोर्ट के खंडपीठ की स्थापना से जुड़ी मांग सन 2000 ईस्वी से ही जारी है, जिस पर संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार ने कई बार कोड संख्या निर्धारित करते हुए निबंधन उच्च न्यायालय पटना को उचित कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा है और इसी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी जरूरी पहल की है।
इससे पूर्व बीते वर्ष की 2 मई को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा धरना कार्यक्रम के संयोजक को दूरभाष और ईमेल द्वारा कुछ सुझाव एवं दिशा निर्देश देने की बात कही गई थी और इस निर्देश के आलोक में बिहार के मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा गया था। वहीं शनिवार को धरना के दौरान कई अधिवक्ताओं ने अपनी बातें रखते हुए अन्य सभी अधिवक्ताओं से इस धरना में शामिल होकर आंदोलन को मजबूती प्रदान करने की अपील की। मौके पर काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। भागलपुर में उच्च न्यायालय के खंडपीठ या सर्किट कोर्ट की स्थापना के लिए हम लोग ये धरना देते हैं। ये धरना करीब पिछले 20 साल से अलग अलग समय में अलग अलग अधिवक्ताओं द्वारा चलाया गया। अभी पिछले 2-3 साल से हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें काफ़ी प्रगति भी है। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी हम लोग बहुत लाभदायक की गई है, मेल वगैरह आता है और हम लोगों को बारकोड जारी हो गया है। एडमिन जज के यहाँ हम लोगों का मामला अभी लंबित है 19/4/2023 से। बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ एवं भागलपुर मध्याह्न भोजन कर्मचारी संघ की ओर से जिला मुख्यालय समाहरणालय के समीप धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संघ के द्वारा जिलाधिकारी को 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने कहा कि एमडीएम रसोइयों का न्यूनतम मानदेय 26,000 रुपए प्रतिमाह किया जाए, जबकि सभी कार्यरत रसोइयों को नियुक्ति पत्र एवं परिचय पत्र भी देने की मांग की गई। साथ ही डीएम को दिए गए ज्ञापन में मध्याह्न भोजन योजना का निजीकरण एवं एनजीओकरण करने, एमडीएम रसोइयों के सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करने और अवकाश प्राप्त रसोइयों को न्यूनतम 5,000 प्रतिमाह पेंशन देने की मांग शामिल है। साथ ही डीएम को दिए गए ज्ञापन में मध्याह्न भोजन का निजीकरण एवं एनजीओकरण करने, एमडीएम रसोइयों के सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करने और अवकाश प्राप्त रसोइयों को न्यूनतम 5,000 प्रतिमाह पेंशन देने समेत कई मांगे शामिल है। मौके पर एटक महासचिव डॉक्टर सुधीर शर्मा, नेता मनोहर शर्मा, संजीत सुमन, जयप्रकाश मंडल समेत काफी संख्या में संघ के सदस्य और रसोइया मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगविनाथ धाम में माघी पूर्णिमा को लेकर बिहार एवं झारखंड के लाखों शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा घाट में डुबकी लगाई। माघी पूर्णिमा की महत्व को लेकर अजगविनाथ के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि आज के दिन गंगा स्नान करने से सारे पापों का नाश होता है और बाबा भोलेनाथ के तिलकोत्सव का महत्व होने के कारण कांवरिया अजगविनाथ से जल लेकर महाशिवरात्रि को बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाते हैं और माता पार्वती एवं जटाधारी शिव के विवाह का उत्सव मनाते हैं। इधर माघी पूर्णिमा को लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव द्वारा गंगा घाटों में बैरिकेटिंग, नाव एवं साफ सफाई की व्यवस्था करवाई गई है। साथ ही थानाध्यक्ष प्रिय रंजन के निर्देश पर गंगा घाटों एवं चौक चौराहों पर सुरक्षा बल एवं ग्राम रक्षा दल की तैनाती की गई है। शिव भक्तों को कोई परेशानी न हो इसको लेकर महिला सुरक्षा बल भी मुस्तैद दिखी। इस दौरान पूरे शहर का रंग केसरिया हो गया और अजगविनाथ धाम बोलबम हर हर महादेव के नारों से गूंजने लगा। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600।
सनातन संस्कृति में माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन गंगा स्नान करने से साधकों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि शनिवार को भागलपुर के सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। बरारी सीढ़ी घाट पर भागलपुर सहित आसपास के जिलों के श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। इस दौरान एक महिला श्रद्धालु अपने साथ भगवान कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप को अपना बेटा मानते हुए गंगा स्नान कराने पहुंची थी, जबकि दूसरी ओर गंगा स्नान करने बरारी घाट पहुंची एक महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद ड्यूटी में तैनात जगदीशपुर अंचल के आपदा मित्र अमित कुमार ने अपने सहयोगियों की मदद से महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जहां से उसे इलाज के लिए मायागंज ले जाया गया। बता दें कि हर पर्व त्योहार के मौके पर जगदीशपुर अंचल के कई आपदा मित्रों को भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर लगाया जाता है, ताकि गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं के साथ कोई अप्रिय घटना न हो सके। सभी गंगा घाटों पर आपदा मित्र मुस्तैदी के साथ तैनात रहते हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत होने पर आपदा मित्रों के द्वारा ही सहायता प्रदान की जाती है। माघी पूर्णिमा के मौके पर भी जगदीशपुर अंचल आपदा मित्र के अध्यक्ष तुलसी यादव, अमित यादव, सुशील यादव सहित कई आपदा मित्रों को जगदीशपुर अंचल अधिकारी के द्वारा विभिन्न गंगा घाटों पर ड्यूटी के लिए लगाया गया था। जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर बंधन बैंक के समीप शनिवार को अनियंत्रित बस ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर बताया गया कि करीब 3 बजे दोपहर में गुड्डा से अररिया जा रहे मोटरसाइकिल सवार को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कालिका बस ने कुचल दिया और मौके से फरार हो गई। इधर घटना की जानकारी जगदीशपुर थाना अध्यक्ष गणेश कुमार को मिलने पर वो फौरन अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से संपर्क किया। मृत व्यक्ति की पहचान अररिया निवासी दानिश के रूप में हुई है। दानिश गोड्डा में अडानी कंपनी में काम करता था और शबे बरात के मौके पर गोड्डा से अपने घर अररिया जा रहा था, जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। बांका के धोरैया प्रखंड अंतर्गत मंदार डेरू गांव में शनिवार को संत रविदास जयंती को लेकर महादलितों द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया। यह जुलूस डेरू गांव से निकलकर ब्लॉक धोरैया, चांदनी चौक, गंगदौरी होते हुए पुनः डेरू गांव पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस में भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जमकर ठुमके भी लगाए। साथ ही जुलूस में लोगों ने रथ पर सवार कर संत रविदास जी के चलचित्र को घुमाया। बता दें कि आज देश के हर कोने में गुरु रविदास के 649वीं जन्मदिवस पर जयंती मनाई जाती है। भारत भूमि में युगों युगों से अनेक साधु संतों ने जन्म लिया है। संत रविदास वो विशेष संत हैं जिन्होंने समाज में फैले कुरीति, जातिवाद, छोटे बड़े का भेदों को मिटाया। संत रविदास एक महान समाज सुधारक थे। रविदास महाकवि कबीरदास के समकालीन कवि थे। कबीरदास ने इन्हें संबोधित करते हुए कहा है, संतन में रविदास। इनके जन्म के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। ज्यादातर लोग सन 1388 को इनका जन्म वर्ष मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान सन 1398 के पक्ष में अपनी राय रखते हैं। पर माघ पूर्णिमा को इन्होंने पावन भारत भूमि में जन्म लिया था, इसी कारण हर वर्ष माघ पूर्णिमा को इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश पासवान ने बताया कि आज संत रविदास का 649वां जयंती है, जिसमें सैकड़ों लोगों के द्वारा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर उमेश दास, प्रहलाद रविदास, धनंजय रविदास, श्रीमती झूमा देवी समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। भागलपुर सुल्तानगंज के रविदास नगर दुधैला में संत शिरोमणि गुरु रविदास के 647वीं जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान मध्य विद्यालय कुमारपुर कटराहा के प्रधानाध्यापक जमादार दास के नेतृत्व में स्कूल के बच्चों के बीच कॉपी एवं कलम का वितरण कर उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में पार्षद शोभा देवी, पार्षद प्रतिनिधि शंकर दास, समाज सेवी सुशील दास, डॉक्टर नंद किशोर दास, पंडित दास सहित दर्जनों स्कूल बच्चे मौजूद थे।